स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं ना? चलो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी है लायन और माउस की। आप लोग जानते हैं जंगल का राजा कौन है? लायन। जंगल का राजा लायन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, स्टोरी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन लायन अपना खाना खाके सो रहा था, मतलब आराम कर रहा था, ठीक है। तो चूहे ने लायन को देखा, चुपके से देखा और बोला कि ओ लायन सो रहा है, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप लोग भी करते हैं ना एंजॉय? तो चूहे ने भी सोचा चलो लायन पे मस्ती करते हैं। वो गया चुपके से और लायन के ऊपर सो मस्ती करने लगा, उछल कूद करने लगा। वैसे ही लायन की नींद खुल गई और लायन बोला देख कौन है। चूहा डर गया और बोला ओ सॉरी सर। लायन ने बोला कि मुझे डिस्टर्ब किया तुमने, इतने छोटे से चूहे की हिम्मत कैसे हो गई मुझे डिस्टर्ब करने की। चूहा बोला सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, आप मुझे खा के आप अपना पेट कैसे भर पाओगे, क्या पता कभी मैं आपके काम आ जाऊं। तो लायन सोचा कि हाँ हो सकता है कभी ये मेरे काम आ सकता है। लायन सोचने लगा ओके, तो मैंने जस्ट अभी खाना खाया है इसीलिए चूहे तुम जस्ट गो अवे, अभी के अभी चले जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा भाग गया और चूहा सोचने लगा ओह गॉड थैंक गॉड कि मुझे लायन ने खाया नहीं, आज तो मैं बच गया। एक दिन फिर क्या होता है कि एक शिकारी आता है जंगल में। शिकारी लायन को अपनी जाल में फंसा देता है, लायन को जाल में फंसा देता है। तो लायन चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ मुझे यहाँ से छुड़ाओ, किसी ने मुझे पकड़ लिया है। तो सारे जानवर उसे देखते हैं लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लायन से सब लोग डरते हैं, लायन बहुत डेंजरस होता है ना। यस। तो चूहे ने आवाज सुनी लायन की, चूहा बोला अरे ये तो लायन की आवाज है, चलो उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। आई थी उसने सोचा कि मेरी हेल्प चाहिए लायन को, तो वो गया और देखा कि ये तो लायन है जिसने मुझे छोड़ दिया था एक दिन। वो जाता है और लायन को बोलता है ओ क्यों घबरा रहे हो, मैं तो आ गया आपकी हेल्प करने के लिए। फिर वो क्या करता है, सारे चूहों को बुलाता है और नेट को कट 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 करके सारी नेट को काट देता है और लायन को फ्री कर देता है। और लायन बोलता है अरे वाओ आपने तो मुझे बचा लिया। देखो फिर वो सोचता है, लायन सोचता है कि देखो इतना छोटा सा फ्रेंड, इतने छोटे से जानवर ने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो मैं कैसे बच पाता यहाँ से। फिर वो बोलता है कि आज से हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आपको समझ में आई ये पोयम कि हमारा फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मतलब कभी भी कोई भी हमें मदद कर सकता है, इसीलिए